विवेकी मनुष्य को ईश्वर से भी अधिक गुरु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि गुरु भक्ति के बिना आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर होता है, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, परंतु गुरु हमें जन्म मरण के चक्कर से ही छुड़ा देते हैं। आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो उन्हें बदलना नहीं चाहिए। परमज्ञानी गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु से दीक्षा ले लिया तो उससे भयंकर पाप लग जाएगा। अतः सावधान साधक शास्त्र विपरीत उपदेश करने वालों के बातों में गुरु के शिष्यों को नहीं आना चाहिए। सद्गुरु को पाना यह सौभाग्य है, किंतु उनमें श्रद्धा टिकाए रखना वह परम सौभाग्य है। आदि शंकराचार्य जी गुरु अष्टकम में कहते हैं, गुरु बनाने के बाद भी गुरु को चरणों में मन आसक्त ना हो और उनको धोखा दिया तो उसका जीवन निरर्थक है। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरं गृपदमे तता किं। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हो, मेरु पर्वत के समान अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में मन आसक्त न हो, तो इन उपलब्धियों से क्या लाभ। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरुरं गृपदमे तता किं। सुंदर पत्नी, धन, पुत्र, पौत्र, घर एवं स्वजन आदि प्रारब्धवश सुलभ हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में मन आसक्त न हो, तो इन प्रारब्ध सुख से क्या लाभ। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरं गृपदमे तता किं। वेद षट वेदांगादि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हो, जिन्हें सुंदर काव्य रचना की प्रतिभा हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में मन आसक्त ना हो, तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। मतलब यह है कि तीनों लोकों में श्रेष्ठ गुरु ही होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना जीवन नहीं। शिव गुरु गीता में आता है, यतः परम कैवल्यं गुरु मार्गे न वैभवेत् गुरु भक्ति रति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षी। मोक्ष की आकांक्षा करने वाले को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिओम।